आज हम आप लोगों को ब्लास्टुलेशन के बारे में बताएंगे। ब्लास्टुलेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें ब्लास्टुला स्टेज का निर्माण होता है, ठीक है। ब्लास्टुला स्टेज का निर्माण किससे होगा? मारुला स्टेज से। होता क्या है? कोई जायगोट, जायगोट में क्लीवियस होता है, क्लीवियस के फलस्वरूप जो स्टेज बनेगा वो स्टेज कहलाएगा मारुला स्टेज। मारुला स्टेज जो होता है वो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मारुला स्टेज जो होगा वो कैसा होगा? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्टेज कहलाएगा मारुला स्टेज। तो जायगोट में क्लीविस के फलस्वरूप कौन सा स्टेज बना? मारुला स्टेज। और मारुला स्टेज आगे चलकर कन्वर्ट होगा ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज वह स्टेज होता है जिसमें बीच में एक कैविटी होगी, उस कैविटी को कहेंगे ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी यह स्टेज कहलाएगा ब्लास्टुला। और बीच में बहुत से ब्लास्टुला स्टेज में बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है, इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमीयर। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमीयर। तो इस तरह हम देखते हैं ब्लास्टुलेशन वह प्रोसेस है जिसमें क्लीवेज के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला का निर्माण किससे होता है? मारुला से। मारुला स्टेज ही आगे कन्वर्ट होती है किसमें? ब्लास्टुला से। ब्लास्टुला में एक कैविटी का निर्माण होता है, उसे कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। और ब्लास्टुला स्टेज में नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, उन नंबर ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमीयर, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो ब्लास्टुला स्टेज होता है उसमें विभिन्न प्रकार के ब्लास्टुला स्टेज पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ब्लास्टुला स्टेज निम्नलिखित प्रकार के होंगे। स्टीरियो ब्लास्टुला, सीलो ब्लास्टुला, डिस्को ब्लास्टुला और चौथा हो गया सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इस प्रकार हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ब्लास्टुला स्टेज पाए जाते हैं। स्टीरियो ब्लास्टुला, स्टीरियो ब्लास्टुला जो होता है वो कैसा ब्लास्टुला है? वो सॉलिड ब्लास्टुला है। कैसा होता है? ये सॉलिड ब्लास्टुला होता है। और जनरली देखा गया है स्टीरियो ब्लास्टुला जो होता है वो पाया जाता है सीलेंट्रेट्स में। और एनिलिड्स में, एनिलिडा में, सीलेंट्रेट्स और एनिलिडा में। अगला आता है सीलो ब्लास्टुला। सीलो ब्लास्टुला जो होता है उसमें बॉडी कैविटी सीरोम पाया जाता है। सीलोब्लास्टा में कैविटी पाई जाएगी, ठीक है। सीलोब्लास्टा जो होता है वो पाया जाएगा एम्फियाक्सस,
और पाया जाएगा एम वी भी आगे। उसके बाद आता है डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला में जो ब्लास्टुला होता है वो डिस्क लाइक होता है, ठीक है, और ये बनता है रेप्टाइल और बर्ड्स में। उसके बाद आता है सुपरफिशियल ब्लास्टुला। सुपरफिशियल ब्लास्टुला जो होता है वो इंसेक्ट में बनता है और इसमें कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती, कैविटी एब्सेंट होती है। और पाया जाता है ये सुपरफिशियल ब्लास्टुला किसमें? इंसेक्ट्स। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक स्टेज ब्लास्टुलेशन आज समाप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेज होगा वो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे।